अब सभी बच्चे जुड़ जाइए, अब नहीं कटेगा नेट कनेक्शन। सभी बच्चे जुड़ जाइए। अब नहीं कटेगा, उम्मीद तो है। जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए आप लोग, जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। कितने लोग ज्वाइन हो गए हैं? गुड मॉर्निंग करण जी, गुड मॉर्निंग जुनेद अख्तर, हेलो प्रीति सिंह, हाय रतन, राहुल कुमार, गुड मॉर्निंग सर, विपिन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शेयर कर दीजिए सभी लोग फटाफट, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, मिथिलेश जी गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो। वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट, ताकि क्लास में दिक्कत नहीं हो, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर चुके थे, तीनों का संकुलन क्षमता हम लोग निकाल चुके थे, और आज हम लोगों का क्लास चलने वाला था ठोसों में निविड संकुलन। ठोसों में निविड संकुलन, और हम बताए थे कि इस निविड संकुलन से हम आपको उपसह संयोजन संख्या को बताएंगे, यह कैसे निकाला जाता है, 3D डायमेंशन में यह कैसे अटैच होगा, कैसे जुड़ेगा, और कैसे इसकी परिभाषा, इसके थ्योरी को हम लिखेंगे, उस बात को समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक है ठोसों में निविड संकुलन। इसमें लिखा है कि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि उसके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, उसे निविड संकुलन संरचना कहते हैं। आप लोग 8वीं और 7वीं कक्षा में पढ़े होंगे पदार्थ की अवस्था में, कि ठोस में जो पदार्थ के कण होते हैं वो अपने अंतर आणविक बल के कारण आपस में बंधे होते हैं, जिससे वो बिखरता नहीं और वो ठोस कहलाता है। उसके बीच में बहुत कम जगह, बहुत कम गैप होती है। उसी चीज को हम लोग यहां लिखे हैं, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, मसलन बहुत कम होता है, उसे निविड संकुलित संरचना कहते हैं। अब कहा जाता है, अब इसके इस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग थ्योरी को भी समझेंगे, या हम लोग फिगर को भी समझेंगे। दूसरा है, ठोसों के निविड संकुलन में यदि अवयवी कणों समरूप कठोर ठोस गोला मान लिया जाए, यदि अवयवी कणों को समरूप कठोर ठोस गोला मान लिया जाए, तो हम निम्न तीन पदों पर त्रिविमीय निविड संकुलन संरचना बना सकते हैं। मसलन, उनके जो कण है उसको अगर ठोस गोला मान लिया जाए,
उनके जो कण हैं उनको यदि ठोस गोला मान लिया जाए तो उसे हम 3D डायमेंशन में दर्शा सकते हैं। निविड त्रिविमीय निविड संकुलित संरचनाएं बना सकते हैं। अब ये कैसे होगा? अब इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है, हम क्या बोले कि 3D डायमेंशन में बनाएंगे, 1D, 2D और 3D। सबसे पहले 1D मतलब हो गया एक विमीय निविड संकुलन। अब एक विमीय निविड संकुलन क्या है और इसको हम कैसे समझेंगे, इसको वाच करते हैं। एक विमीय निविड संकुलन, हम एक बात जानते थे जब क्रिस्टल को हम पढ़ रहे थे, जब हम क्रिस्टल को पढ़ रहे तो एक बात हम लोग जानते थे, क्या जानते थे? हमें लगता है कि कुछ लोग पुराने वीडियो पर रुके हुए हैं, वो नए वीडियो पर शामिल हो जाइए, वो नए वीडियो पर शामिल हो जाइए। नए वीडियो में शामिल हो जाइए, कुछ लोग पुराने वीडियो में ही जुड़े हुए हैं अभी तक, क्योंकि वहां से लिंक गायब हो चुका है। हम बताए थे आपको कि तीन अक्ष होते हैं। पिछले के लेक्चर में हम आप पढ़ाए थे, जब FCC SCC वगैरह हम आपको पढ़ा रहे थे, इसके तीन एक्सिस होते थे, X, Y और Z। X, Y, Z मतलब तीन एक्सिस, X होगा, Y होगा, Z होगा। तो क्योंकि वो X, Y, Z तीन एक्सिस थे तो तीन विमा में भी बनेगा। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को मानते हैं और उससे निकालते हैं ठोसों का निविड संकुलन, उससे निकालते हैं ठोसों का निविड संकुलन। कैसे समझते हैं? मान लेते हैं एक एक्सिस हमने डाला और यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह हमने डाला और यह हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में हमको बनाना है एक विमीय निविड संकुलन। गौर से समझिएगा सभी लोग, इस एक्स एक्सिस में, एक्स अक्ष में एक विमा में, ये एक विमा है, एक ही लाइन खींची हुई है, मतलब एक विमा है। इस एक विमा में हमें दर्शाना है उन ठोसों को, उन ठोस के गोलों को, जिससे कि हमें ये पता चले कि यह एक विमीय है। कैसे समझते हैं? इन ठोसों, इन एक लाइन, एक जो सीधी रेखा है, इस एक विमा में हम ठोस गोले का अध्यारोपण करते हैं। मसलन एक हमारा यहां, हमारा एक गोला हो गया, फिर इसके बाद भी एक गोला हो गया, फिर इसके बाद भी एक गोला हो गया, फिर इसके बाद भी एक गोला हो गया, एवं प्रकार से अगर हम वाच करें यह एक विमा में है। और इसमें जो ठोसों के अवयवी कण है जिसको हम गोला माने हैं वह एक ही विमा पर रखी हुई है और इन दो गोलों के बीच बहुत कम जगह खाली है, बहुत ही कम स्पेस खाली है। यानी क्या ना, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो। मसलन एक ठोस ये हो गया और एक ठोस ये हो गया, इधर वाला ठोस और इधर वाला ठोस को बात करें, किसी दो ठोस को, तो इनके मध्य जो है रिक्त स्थान न्यूनतम मतलब ना के बराबर है। उसी प्रकार से यह ठोस का गोला और यह ठोस का गोले के बीच में स्थान बहुत ही न्यूनतम है, ना के बराबर है। एवं प्रकार से यह जुड़ा हुआ है, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित है होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो और उसे निविड संकुलित संरचना कहते हैं। क्लियर है? और इसमें हम एक विमा पर दर्शाए। अब इस बात को समझते हैं कि इस एक विमीय निविड संकुलन में टॉपिक क्या क्या आएगा जिसे आपको थ्योरी लिखने में मदद मिलेगी। आप सिर्फ सुनते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए, 100% आपको यही याद करा देंगे और आपके दिमाग में सेट करा देंगे।
हमने कहा कि एक विमीय निविड संकुलन में कितनी थ्योरी आएगी, इस थ्योरी को हमें वाच करना है। अब इस थ्योरी को वाच करने के लिए सिर्फ ध्यान दीजिएगा, बस एक विमा ध्यान देना है, एक विमा है, इस पर ठोस गोला अध्यारोपित है। ठीक ठीक बात है। अब इसको हम कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहला टॉपिक कि एक विमा में निविड संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है, पॉइंट नंबर वन। एक विमा में एक विमा की एक पंक्ति में गोलों को इस प्रकार रखा जाता है कि वह एक दूसरे को स्पर्श करते हो। ये देखिए ब्लैक वाला जो लाइन दिए हुए हैं, यह एक विमा हो गई, एक अक्ष हो गया, एक अक्ष हो गया, और उसमें जो गोलों को रखे हैं, ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये सारे जो गोलों को रखे हैं सभी एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखिए गौर से, ब्लैक लाइन से हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ यह गोला देखिए यहाँ स्पर्श कर रहा है, यह गोला यहाँ स्पर्श कर रहा है, इधर से भी स्पर्श कर रहा है, इधर से भी स्पर्श कर रहा है, इधर से भी स्पर्श कर रहा है, सभी गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। क्या यह टॉपिक याद रहेगा फिर से, कि एक विमा में निविड, एक विमा के निविड संकुलन में गोलों की पंक्ति में इस प्रकार रखा जाता है कि सभी गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, पॉइंट नंबर दो। ये याद हो जाएगा, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, पॉइंट नंबर दो। इस प्रकार की निविड संकुलन संरचना में प्रत्येक गोला को दो निकटवर्ती गोलों, प्रत्येक गोला अपने दो निकटवर्ती गोलों के साथ स्पर्श करता है। इस प्रकार की संरचना में प्रत्येक निकटवर्ती गोला, मसलन मान लेते हैं, कल्पना करते हैं यह गोला के विषय में, यह जो गोला है अपने निकटवर्ती एक विमीय में अपने निकटवर्ती दो गोलों के साथ स्पर्श करता है। देखिए यह गोला इस गोले के साथ स्पर्श कर रहा है, यह गोला इस गोले के साथ इस जगह पर यहां स्पर्श कर रहा है और यहां स्पर्श कर रहा है। वाच कीजिए फिर से गौर से, कि एक गोला, यह जो गोला है अपने निकटवर्ती दो गोलों के साथ स्पर्श करता है, यहां पर भी स्पर्श कर रहा है, देखिए स्पर्श किया यहां पर, और यहां पर भी स्पर्श कर रहा है, इस जगह पर स्पर्श किया। उसी प्रकार अगर इस गोले को माने तो यहां और यहां स्पर्श कर रहा है, इस गोले को माने तो यहां और यहां स्पर्श कर रहा है। तो मतलब हो गया कि इस प्रकार एक विमीय निविड संकुलन में एक गोला अपने निकटवर्ती दो गोलों के साथ स्पर्श करता है। क्लियर है, फिर से सब पहला पॉइंट हमने आपको बताया, एक विमा में निविड संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे, पॉइंट नंबर दो। प्रत्येक गोला अपने निकटवर्ती दो गोलों के साथ स्पर्श करता है, और नंबर तीन, एक गोला अपने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, वह जितने गोलों को स्पर्श करता है वह गोला इनका उपसहसंयोजन, उन गोलों की संख्या इनका उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। नहीं समझ में आया, फिर समझिए कि एक गोला, कोई भी गोला है, एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है उन गोलों की संख्या दिए गए डायमेंशनल में उनका उपसहसंयोजन संख्या कहलाई। फिर से समझते हैं, जैसे कि मान लिए कि इस गोले के विषय में माने कि यह गोला कितने गोले को स्पर्श करता है, यह गोला दो गोलों को स्पर्श करता है, एक यहां और एक यहां। मान लेते हैं यह गोला इस गोले के विषय में अगर हम चर्चा करें तो यह गोला एक यहां स्पर्श कर रहा है और एक यहां स्पर्श कर रहा है, तो दो। इस गोले के विषय में चर्चा करें तो यह गोला इधर भी स्पर्श कर रहा है, इधर भी स्पर्श कर रहा है, मतलब दो। तो मसलन हो गया इसमें कि एक गोला जो है अपने निकटवर्ती दो गोलों के साथ स्पर्श करता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या। कितना हो गया, एक गोला दो गोले स्पर्श कर रहा है, तो ये हो गया दो आंसर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यही हमारा है एक विमीय निविड संकुलन। एक विमीय निविड संकुलन मतलब वन डायमेंशन में बना है, इसके बाद टू डायमेंशन में बनाएंगे, उसके बाद थ्री डायमेंशन में बनाएंगे। ये जिनको जिनको समझ में आ गया ओके लिख के भेजिए, ओके लिख कर भेजिए, जिन्हें जिन्हें समझ में आ गया।
शिवम कुमार, रिचा जुड़ी है, हेलो सूरज, हेलो हेलो सर, ऊपर वाला सेकेंड पॉइंट फिर से जी। ठीक है राहुल जी, आपको हम बता रहे हैं इस टॉपिक के विषय में बोल रहे हैं, पॉइंट नंबर दो हम बता रहे हैं आपको। ओके 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 ओके, वीडियो को शेयर करते जाइए, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमें उतना ही मज़ा आएगा पढ़ाने में। ओके ओके, वीडियो को शेयर करते जाइए। अभी भी लगते हैं कुछ बच्चे पहले वाले लिंक पर अटके हुए हैं, जैसे जुटा था 20 लोग हो गए थे, अभी तक तो 15 ही हैं। चलिए, एक राहुल कुमार को प्रॉब्लम आया है कि ये ऊपर वाला का ये सेकंड पॉइंट आपको समझना है, हम एक बार फिर से समझाते हैं। यदि अवयवी कणों को समरूप कठोर ठोस गोले में मान लिया जाए तो हम निम्न तीन पदों में त्रिविमीय निविड संतुलन संरचना बना सकते हैं। देखिए, स्पष्ट रूप में समझते हैं, किसी भी चीज को अगर आप त्रिविमीय क्या हो गया, 3D डायमेंशन क्या हो गया, हमें अगर आप कैमरा पर देख रहे हैं तो मैं सामने में खड़ा हूँ या किसी व्यक्ति के सामने अगर मैं खड़ा हूँ तो हम फ्रंट पर दिखाई पड़ेंगे सीधा। एक अवस्था ये आएगी, अगर एक अवस्था हम ऐसे हो जाए तो दूसरी अवस्था सिर्फ ये पर्सन आएगा, अगर तीसरी अवस्था हो गया हमारे सर के ऊपर में अगर आकर के देखिएगा तो वो तीसरी अवस्था हो जाएगी। मसलन समझिए, किसी घर को आप किसी भी मकान के कमरे को सामने से देखिएगा तो अलग लगेगा, कॉर्नर से देखिएगा तो अलग लगेगा, अगर ऊंचाई से देखिएगा तो अलग लगेगा। तो तीनों का अलग अलग डायमेंशन होता है। इसी प्रकार हम इस गोले को अगर मान लिया जाए, जैसे कि ठोसों की निविड संकुलन संरचना जो है इसमें तीन अवस्थाएं होती है, त्रिविमीय निविड संकुलन मतलब थ्री फिगर के हिसाब से बनता है। सबसे पहले हम आपको बताए एक विमीय, इसके बाद बताएंगे द्विविमीय, इसके बाद बताएंगे त्रिविमीय। गोले की उपस्थिति तो वैसी ही रहती है, सिर्फ देखने का नजरिया बदल जाता है। हम इसका आपको एक फिगर दिखाना चाहते हैं, ये कैसे बना हुआ रहता है आपको फिगर दिखाते हैं। शायद आप लोगों को दिखाई पड़े, थोड़ा सा कठिन तो है, देखिए तो आप लोगों को, ये जो सामने में फिगर है ये वाला जो फिगर है ये हमारा एक विमीय का है। अब इसी तरीके से हम दूसरा फिगर लेकर चलेंगे, ये वाला जो फिगर है ये एक विमीय है, इसके बाद हम द्विविमीय आपको हम बताएंगे। ये हमारा एक विमीय है, शायद दिखने में परेशानी हो रही हो, हम आपको PDF जब भेजेंगे तो आप उसमें आसानी से देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके सेकेंड टॉपिक में, एक विमीय हो गया, अब चलते हैं ठोसों के निविड संकुलन में, द्विविमीय निविड संकुलन इसमें कैसे चलेंगे समझते हैं। द्विविमीय निविड संकुलन, द्विविमीय निविड संकुलन देखिए, जैसे कि एक विमीय निविड संकुलन था उसी प्रकार से द्विविमीय निविड संकुलन है, ठोसों में निविड संकुलन, द्विविमीय निविड संकुलन, द्विविमीय निविड संकुलन, द्विविमीय निविड संकुलन यह दो प्रकार के होते हैं। अब इस दोनों प्रकार को पढ़ाने से पहले हम इसके व्यवस्थिति को आपको बताएंगे, तब जा करके आपको मजा आएगा कि यह दोनों प्रकार का कैसे होता है, क्योंकि उसमें हमने बताया था एक विमा में, अब हम पढ़ेंगे दो विमा में। अब यह इसका नामकरण हम कैसे करेंगे और यह कैसे बनेगा, इस बात को समझिए कि द्विविमीय निविड संकुलन में
हम दो एक्सिस को लेंगे, जैसे एक विमा में एक विमीय निविड़ संकुलन में एक एक्सिस को लिए थे, एक अक्ष को लिए थे, इसमें हम दो अक्ष को लेंगे। दो अक्ष को किसे लेंगे, मान लेते हैं एक हमारा अक्ष ये हो गया, एक हमारा अक्ष ये हो गया। अब इसके बीच में हमको गोलों को रखना है, इनके बीच में हमको गोलों को रखना है, तो कैसे होगा समझते हैं। मान लेते हैं यहां एक गोला है हमारे पास, फिर दूसरा ठोस गोला हमारे पास यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, पांचवा यहाँ हो गया, आप कितना भी बना सकते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस पर हो गया, इसका सेंटर पॉइंट एक ही है, सेंटर पॉइंट ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। फिर इसके नीचे, ठीक नीचे, क्योंकि एक बीमा में हुआ, अब दूसरे बीमा में डालेंगे, ये एक्स एक्सिस क्षितिज में हुआ, अभी ऊर्ध्वाधर पर नीचे में डालेंगे, इसके साथ जुड़े हुए रहेंगे एक और, फिर इसके साथ जुड़े हुए रहेंगे एक और, फिर इसके साथ जुड़े हुए रहेंगे एक और, फिर इधर जुड़े हुए रहेंगे, फिर इधर जुड़े हुए रहेंगे। इसी प्रकार से व्यवस्थिति इसकी नीचे में भी जाएगी, इधर को भी आएगी, इधर को भी आएगी, इधर को भी आएगी, इधर को भी आएगी, फिर इसी प्रकार इधर को भी आएगी, इधर को भी आएगी, एवं प्रकार से यह अवस्थिति चलते रहेगी। दो एक्सिस हो गया, एक अक्ष यहां हो गया, एक अक्ष यहां हो गया, तो दो विमा हो गई। अब इस दो विमा में कोई एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है, इस बात को समझिए। मान लेते हैं कोई एक गोला, मान लेते हैं हमारे पास में यह गोला है, इस गोले को हम आंकड़ा लेते हैं, यह कितने विमाओं को स्पर्श कर रहा है, तो हम वाच अगर करने की कोशिश करें एक यह गोला, हम इसको ब्लैक से कर देते हैं कवर, ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, ये कितने जगह स्पर्श कर रहा है, एक यहां, एक दो तीन चार, चार जगह स्पर्श किया, तो चार जगह स्पर्श किया, इसका मतलब द्विमीय का इसमें उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गया, यह गोला चार जगह स्पर्श किया, इसके सह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए आंसर, कौन बता सकते हैं, सबसे पहला जवाब किसका आता है, सबसे पहला जवाब किनका आता है, यह गोला चार जगह चार गोलों को स्पर्श करता है, तो सह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या कितना होगा, चार, बिल्कुल राहुल जी बिल्कुल सही, करेक्ट, चार होगा, विपिन जी बिल्कुल सही, 100% आप लोगों को समझ में आया, जुनेद, जुनेद दो होगा, कैसे होगा दो, गलत है आप लोगों का, करण का भी सही है, जुनेद का भी सही है, प्रीति का भी सही है, संगीता का भी सही है, छोटू का भी सही है, नकुल का भी सही है, अनु का भी सही है, इनमें चार होंगे, चूंकि यह गोला जो है चार गोलों को स्पर्श करता है, चार गोलों को स्पर्श करता है, मतलब इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी, एक बात हो गई। अब इनके बाद इनके पैटर्न पे समझते हैं इसको, अब और गौर से समझते हैं कि यह जिन चार गोलों को स्पर्श करता है, यह 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 जो है गोला किन 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 चार, एक इसको स्पर्श करता है, इनको स्पर्श करता है, इनको स्पर्श करता है, इनको स्पर्श करता है, करता है, गौर से समझिएगा, एकदम यही याद हो जाएगा कि द्विमीय निविड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं, यही याद होगा, घर में याद नहीं करना होगा, गारंटी है, समझिए, यह गोला चार गोलों को स्पर्श करता है, इस चारों गोलों के केंद्र को मान लिया जाए, इसका केंद्र यहां होगा, इसका केंद्र यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, और इस चारों केंद्र को मिलाइए, क्या प्राप्त होता है, ये मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला, यह कौन सी आकृति है, यह देखने के बाद आपको लगेगा यह आकृति जो है वर्ग का है, वर्ग का आकृति, देखिए जो ब्लैक से हम बनाए हैं, क्या यह वर्ग की आकृति है, निश्चित रूप में यह वर्ग की आकृति है, और चूंकि इन गोलों के, इन ठोस गोलों के द्वारा जो बनाया गया संरचना हुआ द्विविमीय में, इनके केंद्रों को मिलाने के बाद वर्ग प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा वर्गीय निविड़ संकुलन। सबको समझ में आ रहा है, किसी तरह की परेशानी,
जैसे यह जो गोला है यह चार गोलों को स्पर्श करता है, उन चारों गोलों को केंद्रों को मान लिया गया तो वह कैसा आकृति बनाया गया, वर्ग का आकृति बनाया गया, और यह वर्ग के नाम पर इसका नाम पड़ा वर्गीय निबिड संकुलन। क्लियर है? अब इनके दूसरे टॉपिक पर आते हैं, दूसरी अवस्था। एक तो हो गया हमारे द्विविम का पहला वर्गीय निबिड संकुलन, और दूसरा हम आते हैं दूसरा को हम कैसे बनाएंगे। द्विविमीय में दो विमा तो होनी ही होनी है, ये हमने दो विमा डाला, एक विमा इधर एक विमा इधर। इसको डालने के बाद जब इसके ऊपर में निर्माण करते हैं किसके, ठोस गोलों का, तो पहला ठोस गोला मान लेते हैं कि हमारा ये रहा, एक दो तीन चार पांच छ, कोई दिक्कत नहीं है, छ गोलों का। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट व्यवस्था होता है। क्या होता है? अल्टरनेट व्यवस्था होता है। इनमें देखिए गैप को खोजना होगा, और गैप क्या है, इन दोनों के बीच में एक गैप है, ये देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। गैप के अनुसार चलता है, और इस गैप का नाम होता है अवनमन। यानी कि इन दोनों गोलों के बीच में गैप बना है, इन दोनों गोलों के बीच में गैप बना है, इन दोनों गोलों के बीच में गैप बना है, इन दोनों गोलों के बीच में गैप बना है, इन दोनों गोलों के बीच में गैप बना है, और इस गैप का नाम है अवनमन। और इन गैप की मदद से एक नया द्विमीय निबिड संकुलन का निर्माण होगा, और वह कैसे होगा समझते हैं। हम क्या करेंगे, इस गैप की मदद से यहां एक और गोला को डालेंगे। देखिए गौर से समझिएगा, इस गैप के अनुसार एक और गोला को डालेंगे, फिर इन दोनों गैप की मदद से एक और गोले का निर्माण होगा, फिर इस गैप की मदद, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इन गैप की मदद से एक गोला का इधर निर्माण हो गया, इन गैप की मदद से इधर गोला का निर्माण होगा, इन गैप की मदद से इधर गोला का निर्माण होगा, फिर इस गैप की मदद से इधर, सॉरी इधर निर्माण होगा, फिर इन गैप की मदद से इधर निर्माण होगा। एक बात हो गई, आप समझिए। इनके बाद फिर हमको अवनमन क्या प्राप्त हो रहा है, यहां अवनमन प्राप्त हो रहा है, यहां अवनमन प्राप्त हो रहा है, यहां अवनमन प्राप्त हो रहा है, और यहां अवनमन प्राप्त हो रहा है। इस अवनमन की मदद से फिर यहां एक गोला बनेगा, 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 फिर इस गैप की मदद से यहां एक गोला बनेगा, फिर इधर बनेगा गोला, फिर इधर बनेगा गोला। तो इस प्रकार से गोला का निर्माण होगा, और ऐसी जो संरचना है इस संरचना को हम कहेंगे क्या, इसको समझते हैं। मान लेते हैं इसमें से कोई एक गोला, इसको समझिए गौर से, इसमें से मान लेते हैं कोई एक गोला यहां है, इसको मान लेते हैं, इसी गोला को हम टारगेट लेते हैं। यह गोला इस गैप के अनुसार बनता है, जहां जहां गैप बनते जाएगा उस हिसाब से बनते जाएगा। जैसे यहां गैप बना है, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, फिर यहां गैप बना, यहां गैप बना, फिर इधर गैप बना, गैप की मदद से बनेगा। अब देखिए यहां प्रश्न है एक, आप लोग गौर से समझिएगा कि मान लेते हैं यह गोला है, यह गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है, और इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। देखते हैं पहला जवाब किसका आता है, इस गोले का कितने उपसहसंयोजन संख्या होगी, एनीबॉडी, किनका जवाब आता है, पहला जवाब का इंतजार रहेगा, राहुल कुमार करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, छ। प्रीति सिंह का भी सही जवाब है, संगीता का भी बिल्कुल सही जवाब है, बाबू का भी बिल्कुल सही जवाब है, वाह बाबू तो हिट कर गया, आज पहली दफा जवाब दिया है मेरे चैनल पर, मेरे क्लास में। अन्नू का भी सही जवाब है, छोटू का भी सही जवाब है, विपिन का भी सही जवाब है,
जुनैद का भी सही जवाब है, करण का भी सही जवाब है, गुड, नकुल का भी बिल्कुल सही जवाब है, करण का भी सही जवाब है। यह गोला जो है अपने निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श करता है और इसे हम लोग कहेंगे उपसहसंयोजन संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? इस 6 गोलों के केंद्र बिंदु को मानते हैं, अगर यहां हमारा केंद्र बिंदु यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, अब इसको मिलाइए, सभी लोग मिलाइए इसको। मिलाने के बाद कौन सा आकृति का निर्माण हुआ? देखिए देखिए, 6 भुजा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब हो गया षटकोणीय। क्या हो गया? षटकोणीय, नहीं हो गया षटकोणीय, और इसके इसे कहेंगे षटकोणीय निविड संकुलन। ये वर्ग कैसे आया और ये षटकोणीय कैसे आया, सबको समझ में आया? अगर आया तो ओके लिखो, ओके लिखिए, ये समझ में आ गया तो ओके लिखिए आप लोग, प्रॉब्लम है तो पूछिए। षटकोण बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, छोटू जुनेद दोनों का, क्योंकि 6 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है तो षटकोण ही होगा। अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आया तो ओके लिखिए। बाबू गुड, राहुल गुड, गुड संगीता गुड, प्रीति सिंह गुड, अन्नू गुड, करण गुड, जुनेद गुड, संजीत गुड, छोटू गुड, बिपिन गुड, एक्सेलेंट, बहुत खूब। अब आते हैं इसके पैटर्न पर, इसका पैटर्न यहां पर हमारा हो गया उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या हो गया 6। अब इसके पैटर्न पर आते हैं, पैटर्न क्या है, हम इनके फिगर को अगर दिखाएं पहले पैटर्न समझ लेते हैं उसके बाद। अगर मैं इस दिए गए आकृति में अगर इसकी स्थिति को ए मानूं, अगर यह ए कंडीशन के हिसाब से चल रहा है तो ठीक इसके नीचे यह गोला है, मतलब जो एक्सिस पर यह गया उसी एक्सिस पर यह गया होगा, उसी एक्सिस पर यह गया होगा, उसी एक्सिस पर यह गया होगा, क्योंकि एक ही सीधी लाइन पर है। तो ये जो एक्सिस, अगर हम इस एक्सिस को अगर हम ए मानते हैं तो इसका भी नाम हो जाएगा ए, ये भी पैटर्न हो जाएगा ए, और ये भी पैटर्न हो जाएगा हमारा ए। ये चारों एक ही स्थिति के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे सारों चारों का पैटर्न ए है, और इस पैटर्न को हम नाम देते हैं ए ए ए ए पैटर्न। मसलन वर्गीय निविड संकुलन, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वर्गीय निविड संकुलन ए ए ए ए पैटर्न पर चलता है। अब प्रश्न उठता है षटकोणीय निविड संकुलन का, यह कैसे चलेगा? पहली स्थिति में अगर हम इसको ए माने हैं, सॉरी इसको अगर हम ए माने हैं तो इसका केंद्र, इन सबों के केंद्र को मान लीजिए, केंद्र कहाँ, क्या इसके सामने में दूसरे का केंद्र है? नहीं है, केंद्र इसका अलग जगह हो गया। इसके सामने जो केंद्र आएगा, सॉरी इसके सामने जो केंद्र आएगा वह एक पैटर्न का होगा, मतलब अगर यह ए पैटर्न है तो इसके ठीक नीचे है ये, इसका इसके अनुसार यह पैटर्न नहीं है, ये हमारा हो गया बी। फिर इसमें अगर आते हैं तो ऊपर वाला गोला और नीचे वाला गोला एक ही जगह पर है, ये वाला गोला और यह वाला गोला दोनों एक ही सामने में है, यह वाला गोला और यह वाला गोला यह एक ही सामने में है, यह वाला गोला और यह वाला गोला इसके एक ही सामने में है। तो अगर ये पैटर्न ए है तो ये भी पैटर्न ए हो जाएगा, क्योंकि इस गोले इन सभी गोलों का केंद्र और इनके गोलों का केंद्र एक ही एक्सिस पर आ रहा है। फिर दूसरा है, ये लास्ट टॉपिक होगा, 90% यूज हो गया है, देख लेते हैं। ये उसी प्रकार, ये इस प्रकार इसका केंद्र और इसका केंद्र एक ही होगा, इसका केंद्र और इसका केंद्र एक ही होगा। तो ये कौन सा पैटर्न है? बी पैटर्न है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बी पैटर्न। उसी प्रकार से यह ए पैटर्न हो जाएगा, यह बी पैटर्न हो जाएगा, तो ए बी पैटर्न, यह ए बी पैटर्न पर चलता है। आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो ओके लिखिए, जल्दी से लिखिए, समय कम है, जल्दी से। कांड कम करते हुए पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है। आज का केमिस्ट्री का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया, और समझ में आ गया है 100% तो चैनल को निश्चित रूप में सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को भी दबा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और दिल अगर अच्छा लगे, दिल को ज्यादा अच्छा लगे तो लाइक भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।